हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर सा मल्टी कलर में डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये सुंदर सा मैंने डोरमेट बनाया है। इसको आप डोरमेट की जगह यूज कीजिए, टेबल मैट की जगह यूज कीजिए, थालपोस की जगह यूज कीजिए, किसी भी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 8 कलियों में मैंने इसको बनाया है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे थोड़ी थोड़ी वूल ये हमारे पास बच जाती है, इससे हम इसको बनाएंगे। मैंने इसको वूल में बनाया है। आप इसको पुरानी चुन्नी से, पुरानी साड़ी से, पुराने कपड़े वगैरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप पुरानी चुन्नी साड़ी से बनाएंगे तो आप यहाँ पर 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और अगर आप बनाएंगे इसको वूल में, जैसे ये मेरी वूल है, थोड़ी सी मोटी है, तो इसके अंदर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन हमारा ये देखिए बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में इतना ही आसान है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे इस ग्रीन कलर से। तो इस तरह से इतना धागा सिंगल लेंगे और यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा के स्टार्टिंग करेंगे। छोटे धागे को अंगूठे पे लेंगे, लंबे को उंगली पे। यहाँ से ऐसे डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से हम यहाँ पर 18 फंदे डाल लें। तो ये 18 फंदे मैंने डाल लिए हैं। सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। आप इसको कितना भी बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदों की कोई काउंटिंग नहीं है। आप जितने भी जी करे मन करे आपका, उतने ही फंदे आप डाल सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट फंदे में सिलाई डाल लेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे निडल के ऊपर से, फंदा बढ़ाएंगे और ऐसे बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया। इस तरह से बनाएंगे। स्टार्टिंग में एक फंदा हम इस डिजाइन में बढ़ाएंगे और लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन का डोरमेट ये बनेगा। जो आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है या आपके पास डोरमेट बनाते हुए चुन्नी के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, उनसे आप बना सकते हैं। तो लास्ट के जो 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहीं से लास्ट से मुड़ेंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे लास्ट तक। जितने भी आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल बची हो, डिजाइन डाल के बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट, पूजा आसन, टेबल मैट हमारा बन के आएगा। तो इस तरह से लास्ट तक इसको बना लेंगे। तो देखिए, हमने 18 फंदे डाले थे, 18 ही फंदे हमारे अब हैं, क्योंकि यहाँ से एक फंदा बढ़ाया था तो यहाँ से एक फंदा हमने कम किया। तो अब फिर से यहाँ से डालेंगे सिलाई और इसको ऐसे घुमाएंगे निडल के ऊपर से, फंदा बढ़ जाएगा। और देखिए, ये धागा है जो हमारा नीचे रह गया, इसको अंदर की तरफ दबाते चलेंगे। तो स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट में एक फंदा घटाएंगे। तो ये 6 सिलाइयां हम यहाँ पे ग्रीन की बनाएंगे। सिलाई
सेम जैसे स्टार्टिंग की रो हैं दो, सेम वैसे ही लास्ट तक हम बनाते जाएंगे। फिर से दो फंदे घटाएंगे ऐसे। अब फिर यहाँ से टर्न करेंगे, इसको फिर से स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ, लास्ट तक पूरी रो को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे ऐसे। ये दो धारियां बन गई हैं, एक और बनाएंगे। तो फिर से यहां से फंदा फिर से ऐसे ही घुमाएंगे, निडल के ऊपर से फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट तक फिर से ऐसे ही बुनेंगे, लास्ट में फिर से एक फंदा कम करेंगे, लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे और बैक साइड से लास्ट में ये दो का एक करेंगे, फिर से ऐसे ही सीधी तरफ से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए सीधी तरफ से भी हमारी तीन धारी बन गई हैं और बैक साइड से भी हमारी यहाँ से तीन धारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से डिजाइन इस तरफ जाता जाएगा और यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ। तो यहाँ से दो फंदे घटते जाएंगे, यहाँ से एक फंदा बढ़ता जाएगा। दो का एक करेंगे तो एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा हर सिलाई में घटेगा, यहाँ पर एक फंदा बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पर रेड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ इसको ऐसे रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर से घुमाएंगे ऐसे, इसके ऊपर से घुमा के फंदा स्टार्टिंग से ही बढ़ाएंगे इस तरह से। अब इस ग्रीन को ऐसे टाइट करेंगे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया रेड का और बुनेंगे। अब देखिए इस धागे को अंदर की तरफ टाइट करके दबाते चलेंगे, इस तरह से दबाएंगे। सेम जैसे हमने छह सिलाइयां ग्रीन की बनाई हैं, सिर्फ ऐसे ही बुनती जाएंगी। छह सिलाई ग्रीन की बनाई, अब फिर से छह सिलाई हम रेड की बनाएंगे, फिर से छह सिलाई हम ये दो का एक किया, फिर वापस मुड़ेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने ये यहाँ पे बनाई हैं छह सिलाइयाँ ग्रीन की, ऐसे ही अब रेड की बनाएंगे, फिर से ग्रीन की बनाएंगे, फिर से रेड की बनाएंगे, फिर से ग्रीन की। तो तीन डिजाइन हमारे ग्रीन के आ जाएंगे, दो डिजाइन हमारे रेड के आ जाएंगे। तो इस कली को कम्प्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कली बन के हमारी कम्प्लीट हुई। तीन कलर हमारे ये ग्रीन कलर के आए हैं और दो हमारे रेड कलर। तो अब देखिए ये एक दो तीन चार पाँच, पांच डिजाइन हमारे बन गए हैं। अगर आपने और भी बड़े साइज में चाहिए तो आप इसके फंदे ज़्यादा डाल के और इतना ही बना लीजिए, एक दो डिजाइन और डाल लीजिए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ये इस तरह से कली बन के आएगी। अब देखिए जब हम बैक साइड में आएंगे तीन डिजाइन बनने के बाद, तो यहाँ से अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से इसको वापस लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। तो लास्ट तक सभी फंदों को हम ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये सभी फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर से, फंदे के अंदर से निकाल के ऐसे इसको टाइट करेंगे इस तरह से। तो ये कली हमारी बन के कम्प्लीट हुई। इसी तरह से हम यहाँ पर सात कली और बनाएंगे। कलर कम्बिनेशन करते हुए, दो दो कलर लगाते हुए हम इसकी सात कलियाँ और बनाएंगे। तो मैं सात कली बना के फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये आठ कली मैंने एक बनाई थी, सात कली मैंने और बना ली है, तो टोटल हमारी आठ बन गई। दो एक कलर की और ये दो एक कलर की और ये दो एक कलर की और येलो और ब्लू एक कलर की। तो इस तरह से मैंने इनको दो दो कली, चार आठ कली मैंने बना ली। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए सभी कली को हम इस तरह से सेट करेंगे। आठ कली हैं, आठों को मैंने दो आमने सामने, दो आमने सामने और दो ये आमने सामने ऐसे करके इनको सेट किया। अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे।
तो देखिए दो कली को हम उठाएंगे, किसी भी दो कली को आप उठाइए, जैसे इसको हम उठाएंगे तो यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से इसको खींच के टाइट, और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरह से। तो इतने पार्ट की सिलाई करेंगे कि दोनों किनारे ऊपर के हमारे ऐसे बराबर आएंगे। तो यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम नोट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। मोटे धागे से सिलाई करेंगे, पतले धागे से सिलाई नहीं करेंगे। मोटे धागे से करेंगे तो इसकी सिलाई मजबूत रहेगी। इस तरह से इसको खींच के, और जो इसकी किनारी है यहाँ तक इसकी, इसको ऐसे खींचेंगे और इसको बराबर करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सभी पार्ट को हम इसी तरह से ही सिलते जाएंगे। जैसे ये सिल जाएगा इस तरह से, ऐसे आ जाएगा जैसे ये सिल के। फिर इस पार्ट को उठाएंगे और इसको सिल लेंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे। फिर इन दो को सिल लेंगे, फिर इनको ऐसे ज्वाइंट करके यहाँ से यहाँ सिल देंगे, और ये इस तरह से आएगा सिलने के बाद। तो इसको और इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डोरमेट हमारा बन के कम्प्लीट है। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है, कलियों वाला, फ्लावर वाला, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।